हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मटन। इसके लिए मैंने लिया है पाव कीमा और पाव मटन। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना मटन। सबसे पहले ऑयल में 4-5 कांदे लिए हैं मैंने, इसे मैं थोड़ा ब्राउन करूँगी। कांदों को हल्का सा भून लेते हैं। थोड़े से सॉफ्ट होंगे कांदे तो हम इसमें कीमा मिला देंगे। और इसे भी हम भूनते जाएंगे लगातार। पांच दस मिनट के लिए इसे भी भूनेंगे कीमे को भी। कीमे का कलर थोड़ा चेंज हो गया है, इसमें मिलाएंगे हम लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर और नमक मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इसे हम प्रेशर कुक करेंगे, 2 सीटी लगाएंगे इसे। मटन इसमें अभी हम नहीं मिलाएंगे, मटन बाद में मिलाएंगे हम। पहले से हम प्रेशर कुक करते हैं। तो 2 सीटी के बाद कुकर खोल दिया है मैंने, वापस से इसे चालू करेंगे। अब इसमें मिला देंगे मटन। और इसे घुमा लेंगे। इसमें हम टमाटर और हरी मिर्च मिला देंगे और इसे कवर कर देंगे। बीच बीच में मटन को हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और लाल करते जाएंगे। तरह से हमें लगातार धीरे धीरे घुमाते रहना है और इसका पानी सूखने तक इसे पकाना है। जैसे ही पानी सूखेगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी और मिलाते जाएंगे, इसे लाल करते जाएंगे। अब इसमें मिला देंगे कमाल पत्ता। आप चाहें तो इसे तेल में मिलाइए, नहीं तो आप बाद में भी मिला सकते। इसमें मैं थोड़ा सा जीरा और 2-3 इलायची कूटकर मिला रही हूँ। इसे मिला देंगे इस तरह से। टमाटर भी मैंने इसमें 1 ही डाला है और हरी मिर्चें मैंने 2 डाली हैं। तो हमें इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनना है। ध्यान रखना है कि जलने ना पाए। आग धीमी रखनी है हमें। देखते हैं, मटन का कलर चेंज हो गया है। मटन हमारा भुन चुका है। इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे पानी। थोड़ा इसे और लाल करते हैं। तो इसे थोड़ी देर और धीमी आंच पर रखते हैं। तो मटन हमारा लाल हो चुका है, इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे हम। इसमें मिलाएंगे हम पानी। इतना पानी मिलाएंगे कि 4-5 सीटियां लगाएं इसे। बाद में हमें पानी पूरा सुखा देना है। अगर आपको ग्रेवी में रखना है तो ग्रेवी में भी रख सकते हो। अगर ड्राई बनाना है तो आप ड्राई भी बना सकते हो। कुकर का वेट बंद कर देंगे और इसे 4-5 सीटियां आने तक पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार हो चुका है हमारा मटन। इसे मैंने 3-4 सीटी लगा लिया था। इसमें डालेंगे हरा धनिया। इसमें मैंने लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल किया नहीं था, तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से बनाकर देखिए। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से बनाइए। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।